और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारी चीजें थीटा मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी में एग्रीवेट भी हो सकती है, जो कि आपके फ्यूचर की प्रॉब्लम है। तो कई बार लोग ये भी बोलते हैं, कह रहे हमने थीटा मेडिटेशन किया तब से हमें ये प्रॉब्लम होने लगी, स्किन पे ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। सो एक्चुअली थीटा मेडिटेशन आपके अंदर का जो गार्बेज है, मतलब जो आप लेके चल रहे हो, जिसकी आपके बॉडी को कोई जरूरत नहीं, वो उठा के फेंकना चालू कर देता है कि ये नहीं चाहिए आपको। थीटा मेडिटेशन आपने रात में सोया है नहीं सोया है, वो सारी लैक को कंप्लीट करता है। प्लस थीटा मेडिटेशन आप किसी भी मोडालिटी के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप थीटा में कनेक्टेड है, आप रेकी करिए, लामा फेरा करिए, क्रिस्टल करिए, आप जो भी करना है, मतलब जितने भी नाम है सब कर सकते हैं। आप और भी ज्यादा बैलेंस थॉट के साथ, बैलेंस हीलिंग के साथ, और इफेक्टिव बहुत हो जाती है कोई भी हीलिंग। तो थीटा हीलिंग, थीटा ब्रेन वेव जो है, या जिसके ऊपर ये पूरी थीटा हीलिंग बनी है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट हीलिंग। मतलब उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, आज कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे। यस, जैसा जैसा आप भेजते जाते हैं, वैसा वैसा चेंजेस बॉडी में इंस्टेंटली आते चले जाते हैं। कुछ बीमारियां बहुत गहरी होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी अचानक से सब कुछ बदल दे, वो भी खतरनाक होता है ना, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा झटका लगता है बॉडी को। तो ये एनर्जीज जो हैं, जैसे आप कमांड देते हैं, थीटा में हम लोग कमांड देते हैं। जो लोग नए हैं, जो आज भी आए हैं थीटा हीलिंग के लिए, उनको मैं ये बता दूं कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक रीकैप होगा जो बेसिक और एडवांस का है, ठीक है, और टाइम टाइम पे आपको जो भी कमांड्स, जिन्होंने पहले कोर्सेस किए हैं, जो भी कमांड्स उन्होंने तब सीख लिए हैं और उनको वो आज भी यूज करते हैं, वो कमांड्स भी आपको बताई जाएंगी। जैसे जैसे हम बीमारियां चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, किस बीमारी के लिए कौन से कमांड्स, कमांड्स का मतलब होता है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका एक एक खाका, एक यू नो लाइन बनानी पड़ती है, भैया मुझे ये करना है, उसको हम कमांड बोलते हैं, जो हम सेवंथ प्लेन पे जा करके करते हैं। मैं थीटा का एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि थीटा हीलिंग क्या है। थीटा हीलिंग हमारे वो सेवंथ प्लेन से कनेक्ट करती है। सेवंथ प्लेन का मतलब होता है वो एनर्जी जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है, द क्रिएटर्स एनर्जी विच क्रिएट्स द होल अर्थ यूनिवर्स एवरीथिंग। आप जब आप वहां सेवंथ प्लेन पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन बढ़ जाता है, और आप जब अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, अर्थ की ऑरा से बाहर निकल जाते हैं, तो आपके ऊपर अर्थ के कोई लॉज लागू नहीं होते हैं। इसीलिए जब आप सेवन प्लेन पे कनेक्टेड होते हैं, जब आप वहां पे होते हैं एनर्जेटिकली, तब आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो कर्मा लगेगा, यू नो इमोशनल लॉज लगेंगे, बहुत सारे जो एक होते हैं ना कार्मिक, जो आपका साइकिल चल रहा है उसको आप नहीं बदल सकते, राइट। यही बोलते हैं ना सब लोग कि जो कर्मा है वो तो भुगत के ही जाना है। यस ऑफकोर्स, लेकिन उसको हम बेटर बना सकते हैं, अपनी लर्निंग लर्न करके उसको हम बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो जब हम सेवेंथ प्लेन पे होते हैं, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, हम कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड दैट टू क्रिएटर के साथ, जब आप कनेक्ट कर रहे हैं, जब उस एनर्जी के साथ आप क्रिएट कर रहे हैं, जिस एनर्जी ने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है, ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, तो सोचिए कितना पावरफुल होगा, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। कुछ लोगों को इंस्टेंटली बहुत सारे विजन आते हैं, बहुत सारी चीजें उनको समझ में आने लगती है कि हाउ टू डू हीलिंग एंड ऑल, बट कुछ लोग जिनकी एज 40, 50, 60 हो जाती है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम उस समय बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज द एम ऑफ थीटा हीलिंग, ओके, कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं जब थीटा हीलिंग करते हैं। और आपको स्कैनिंग करना आता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने स्कैनिंग सीखी होगी जब आप रेकी करते होंगे, तो आपकी स्कैनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जब थीटा में कनेक्ट करके स्कैनिंग आप करते हैं, इट इज लाइक फूल प्रूफ कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपको एग्जैक्टली दिखाई देता है, बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी, ठीक है। सो ये थीटा हीलिंग है। थीटा हीलिंग में यू आर नॉट द वन हु इज डूइंग द हीलिंग, दिस इज द क्रिएटर हु इज डूइंग द हीलिंग एंड यू आर विटनेसिंग इट। आपको सिर्फ वो होते हुए देखना है, ये थीटा हीलिंग का रूल है। आपको खुद नहीं करना है, आप अपने क्रिएटर की एनर्जी में रहिए। क्रिएटर क्या, आप को क्रिएटर है, आप क्रिएटर के साथ मिलके ये हीलिंग कर रहे हैं, पर क्रिएटर कर रहे हैं, आप क्रिएटर को सिर्फ कमांड करें कि ये होना चाहिए,
बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही आपने हीलिंग की, क्रिएटर इतना फास्ट वो सब कुछ कर देते, आपको समझ में ही नहीं आता कि अरे ये क्या हो गया, बिकॉज दीज थिंग्स हैपेंस वेरी फास्ट ओके. तो आपको क्रिएटर को फिर से बोलना था, क्रिएटर प्लीज शो मी, मुझे आप दिखाइए कि कैसे किया ये, कैसे हो रहा है. सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, जैसे रिप्ले करते हैं वो सब भी आप कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द दिस कोर्स. तो ये जो कोर्स आने वाला है ये बहुत बड़ा कोर्स है. ये ऑलमोस्ट 20-25 दिन लगते हैं इसको कोर्स को करने में, जब आप इस कोर्स को एक्चुअली प्रॉपरली जैसे इंस्टीट्यूट में होता है, क्योंकि यहाँ तो हम 1.5 और 2 आवर्स का कोर्स करेंगे ट्वाइस इन अ वीक. ठीक है, तो उसमें भी अगर आप नहीं, पूरे कोर्स तो हम करेंगे ही, डेफिनेटली हम पूरा कोर्स करने वाले हैं, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस समय कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ चलो कभी इधर कभी उधर दर्द होते रहता है, टायर्डनेस हो ही जाती है कभी आप ज्यादा चले तो, लेकिन जब आप ये कोर्स आप करेंगे और जब आप इसको समझेंगे कोर्स को ये कैसा है, तो आपकी आने वाली बीमारियां जो फ्यूचर में हो सकती हैं वो सारी बीमारियां आपको आज ही समझ में आ जाएंगी, और उनके रूट कॉज को आप आज ही निकाल सकते हैं, उनकी जड़ें आज ही खत्म कर सकते हैं. जैसे घर में अचानक से किसी को कोई बीमारी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है अरे ऐसा तो कभी था ही नहीं इसके साथ, मैंने तो कभी इसको बीमार भी नहीं देखा, ठीक भी आते नहीं देखा, लेकिन ये बीमार हो गया. क्योंकि सब कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम में होता है, हम क्या बिलीव करते हैं, हमारे अंदर कौन से वायरसेस बैक्टीरियाज हैं, वो चीज आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगी. तो जैसे और दूसरे कोर्सेज में हम क्या करते हैं, सिर्फ थीटा की बात नहीं कर रही हूँ, पहले हम किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तब हम देखते हैं कि अच्छा अब देखना है कि क्या हो रहा है. और इस कोर्स में क्या है कि आपको प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है लेकिन आपने 5 बीमारियों पे भी काम कर लिया, जैसा कि उसमें मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में, तो आपकी आने वाली फ्यूचर बीमारी अपने आप ही निकल जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती फिर, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता था मुझे फ्यूचर में. सो अगर आप अपने आप को क्योर कर रहे हैं इससे, तो आपकी आने वाली जनरेशन भी अब पूरी तरह से क्योर हो रही है, आप समझ रहे हैं. सो ये जो कोर्स है ये आपकी फ्यूचर एलिमेंट, सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट इसमें हम करेंगे वो करेंगे कैंसर रिलेटेड, क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत सबकी बॉडी में होते हैं लेकिन हर एक की बॉडी में एग्रीवेटेड नहीं है, राइट. उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन जब वो बॉडी में टॉक्सिसिटी देखते हैं तब वो टॉक्सिसिटी को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और उससे हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये हमारे सेल्स खराब हो गए, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं, राइट. यही है ना, तो उन सबकी जो हमारे फ्यूचर में आने वाली बीमारियां हैं हम उन सबको क्योर करेंगे इस कोर्स में. तो इसमें क्या करते हैं, थीटा का एक रूल होता है कि सबसे पहले आप पूछते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये एक चीज लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें अब पूछना नहीं है, हमें अब खुद ही देखना है कि हमारे फ्यूचर की बीमारियां क्या होने वाली है. तो हमें आपको सारे बिलीव्स दूंगी रिलेटेड टू, जैसे अभी उन्होंने बालों की बात की, तो मैं रिलेटेड टू हेयर मैं आपको सारे बिलीव्स दूंगी, ठीक है. उसमें आप बिलीव लेकर के उल्टा, इसमें उल्टा चलते हैं हम लोग. जैसे जब मैंने बेसिक एंड एडवांस सिखाया था आपको हीलिंग, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जिन लोगों को, जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो, उनके लिए भी है ये कि सबसे पहले हम स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद हम 7th प्लेन पे जाते हैं, क्रिएटर से पूछते हैं कि भाई ये जो मैंने अभी देखा उसका रीजन क्या है, फिर हम उसमें से कुछ बिलीव्स निकालते हैं, बिलीव्स उसका मसल टेस्टिंग करते हैं, मसल टेस्ट करने के बाद हम उसकी डिगिंग वर्क करते हैं. डिगिंग वर्क बोलते हैं कि आपका जो आज हमें दिख रहा है उसका रूट कॉज कहाँ है, वो कौन सा थॉट है, कौन सी चीज है जो ये सब कुछ क्रिएट कर रहा है, उसको हम ट्रीट करते हैं, और उसको हम रिलीज करके नए बिलीव्स भी दे सकते हैं, नई फीलिंग्स भी दे सकते हैं किसी को, करेक्ट. सो ये सब हम करते हैं, उसके बाद हम दोबारा मसल टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि जो चीज हमें बॉडी से रिलीज करनी थी वो हुई या नहीं हुई. और ये जो मसल टेस्टिंग टेक्निक है जिसको एनर्जी टेस्टिंग भी बोलते हैं, इट इज वेरी पॉपुलर इन अदर कंट्रीज वो चीज, बिकॉज ये जो मॉडलिटी है इसको करने के बाद अगर आप किसी से बात करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंदे को ये प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, आप उनको बता सकते हैं, आपको ये नॉलेज आ जाएगी कि किस तरीके से मुझे खुद के लिए देखना है कि मुझे कौन सी बीमारी हो सकती है, जो मैं सोचता हूँ उस हिसाब से, या मेरे जो फैमिली में हुआ उस हिसाब से, या जो कुछ भी मुझे फियर्स हैं उस हिसाब से. तो आपके सारे फियर्स, आपके कितने तरह के जो कैंसर्स होते हैं उनके बेस आपका हेट्रेड ही होता है सबका, तो
तो वो सब कैसे आप पता करेंगे कि अगर मेरे को ये चीज हो सकती है तो कहाँ पे हो सकती है मेरी बॉडी में, उसके अपने अलग बिलीव्स होते हैं। तो आप इसमें बिलीव्स के थ्रू जाएंगे। अगर आप स्कैनिंग नहीं कर सकते, अगर आपके इंट्यूशंस खुले नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बिलीव सिस्टम के थ्रू काम करेंगे। जो बिलीव्स आपको रेडीमेड बना के दिए जाएंगे कि ये सारे बिलीव्स हैं, ये आपको टेस्ट करने हैं, और उसमें क्या हीलिंग करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी।